जय भीम। राहुल बेटा है, राहुल भाई है, सबके गोड़ छू के प्रणाम बाबा गोड़ लगाता नहीं। आज बक्सर की लड़ाई हमने के बहुजन समाज में एक पिछड़ा के बेटा है, आपका बेटा है, लड़ी जे नो ये लड़ा जाए लड़ाई नो, इस लड़ाई को लड़ना है और लड़कर जो एक जाति का आरक्षण हो गया हमारे बक्सर में उसका अंत कर देना है। मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, अगर हमारा आरक्षण खत्म करोगे, अगर हमारा आरक्षण खत्म करोगे तो हम तुम्हारी जाति की आरक्षण बक्सर पार्लियामेंट में करके एक इतिहास बनाने जा रहे हैं अपने माताओं और बहनों के साथ। हम विशेष बात अहिला पर होगी नामांकन करके आशीर्वाद मानो तो नामांकन करल चलत नहीं जा रो वो लोग चले आया करके फिर से हमने के सभा कर जा नामांकन करके आके आपके साथ फिर से बैठ जा और बैठ करके हमने के नीति तय कर जा कि बक्सर बहुजनों का होगा। इस नारे को बक्सर में बुलंद करेंगे और बक्सर बक्सर के बेटा का होगा, बक्सर लूटने वाले सामंतवादी और मनुवादियों का बक्सर में खात्मा होगा। इसी ऐलान के साथ तमाम माताओं बहनों के साथ आपको आप सबको इस गर्मी में जो व्यवस्था हम लोगों ने की, चूंकि हम लोग गरीबी में है, इस गरीबी में हम सबों ने जो व्यवस्था की, इस व्यवस्था में आप सबों को जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को देख रहा हूं, आपका बेटा हूं, एक बार अपने बेटा के लिए, एक बार अपने बक्सर के लिए और एक बार बाबा साहब के सपनों के लिए पसीना बहाइए, इससे कोई कमी नहीं होगी। ये पसीना ही हमारे बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगा, यह वही पसीना है जो हमारे बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगा, माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करेगा और ललई सिंह यादव के सपनों को पूरा करेगा, शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करेगा। हम यही कहेंगे कि तमाम माताएं बहनें, मेरे भाई और बंधु,